क्या हाल है मेरा भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स की। भाई डार्क सर्कल एक ऐसा इश्यू है ना यार कि बहुत लोगों को होने लगा है रिसेंट टाइम में। लड़कों को तो ज़्यादा ही हो रहा है और ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये वैसे भी बहुत स्ट्रेसफुल है, तो जिसमें डार्क सर्कल्स और बढ़ ही रहे हैं सबके। तो अगर तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम है विनीत गौर और मैं निकला यूट्यूब पे सबसे स्ट्रांगेस्ट डूड आर्मी बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे वीडियो जो रिलेटेड है ग्रूमिंग, गैजेट, टेक, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट की सारी वीडियो सिर्फ यहीं पे। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन भी टैप करके ये फैमिली ज्वाइन जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में डार्क सर्कल्स के टॉपिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो रहेगा डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं एंड आप क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में उसे कम करने के लिए, एंड दूसरे पार्ट में डायरेक्टली उसकी जो सोल्यूशन है रेमेडी है होम रेमेडी उस पर बात करेंगे। तो अगर आपको वो देखना है तो ये वीडियो को स्किप कर लो 3 से 4 मिनट आगे और फिर वो देख लो, वरना अगर आपको पूरी पार्ट्स में देखनी है कैसे क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं तो अभी से देखना शुरू करते हैं। चले डार्क सर्कल्स, भाई देखो एज के साथ तो आता ही आता है पर आजकल ये प्रीमेच्योर डार्क सर्कल्स जो आ रहा है ना इसके 3 से 4 कैटेगरीज होते हैं। कारण सबसे पहला एक ये किसी से छुपी नहीं है बात, यह है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड गैजेट्स। भाई आप जितना अपने आंखों को स्ट्रेस दोगे ना उतना ये ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा। आपको शायद से ये बात नहीं पता होगी कि जो आंखों के नीचे का जो स्किन होता है पूरे शरीर का सबसे थिकेस्ट स्किन होता है, बहुत डेलिकेट स्किन होता है और इसका डैमेज होना बहुत आसान होता है। तो अगर आप ओवर यूज ऑफ अपनी आईज को स्ट्रेन कर रहे हो मोबाइल फोन पे एंड गैजेट्स पे तो ये तो डैमेज होगा ही होगा। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि ओवर स्लीपिंग या लेस स्लीपिंग, भाई ये चीज़ भी ठीक नहीं है। अगर आपने कभी नोटिस किया है जब आप ज़्यादा सो जाते हो या कम सोते हो तो भी आपकी आंखें भारी हो जाती हैं। भाई आंखें बतला देती हैं, जो कहते हैं ना पहले ज़मानों में आंखों से बहुत कुछ चीज़ समझ में आती है, वो एक्चुअली है। बिकॉज इन टर्म्स अगर आपने कम सोया है तो भी यू विल फाइंड द स्ट्रेन अंडर योर आइज, एंड आपने ज़्यादा सोया तो पफिनेस आ जाता है आपकी आँख के ऊपर। ये बहुत बड़ा सिंबल है, इसलिए 7 से 8 घंटा सोना बहुत हो जाता है। एंड आँखों को रब करना, भाई आँखों को रब मत किया करो। ये जो आँख रब करने का जो गलत हैबिट लगा हुआ है ना इससे भी आँखें अपने डैमेज होती है, स्किन का एरिया डैमेज होता है जिससे हमारी आँखें पफी लगती है। कभी भी आँखों में कुछ गया है कुछ हो तो भाई पानी मारो, पानी से इसको साफ कर लो। भाई एक्सेसिव रोना, भाई यार रोनों को कंट्रोल करो। इमोशन में बह के आदमी जब हद से ज़्यादा रो देता है ना तो भी आँखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। ये नहीं हो पाएगा, ये समझ जाओ बस। कमिंग बैक, तो यार स्पेक्स पहनने वालों, जो मेरे दोस्त चश्मा पहनते हैं मेरे जैसे, भाई उनको भी पता है कि भाई हमारे यहाँ पे एक हैवीनेस बढ़ जाती है, लेयर बन जाता है। एंड अगर याद रखो गलत टाइप का चश्मा लेते हो तो हमारे नोज के पास भी ये प्रेशर करके दबा देता है जिससे स्किन और डैमेज हो जाती है। तो जब चश्मा ले रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसा कोई चश्मा लो जिसके साइड एज पे ना वो रबर वाला ना हो, वो दूसरा जो टिल्टेड रबर होती है ना वो वाला ले लेना। वो चश्मा पहनते हैं वो बात समझ रहे होंगे मैं कौन सा वाला बता रहा हूँ। अगर आपको तभी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको एक फोटो की लिंक भेज दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन से वाले चश्मे की बात कर रहा हूँ। आंखों के लेयर को बचाने के लिए एक और चीज़ करो, वो है कि भाई एविएटर या सनग्लासेस पहनो जब बाहर निकल रहे हो धूप में। सन की रेस बहुत हार्श होती हैं यार और डायरेक्टली आंखों में पड़ेंगी, उससे बेटर है आप एक कोई एविएटर या ग्लासेस पहन लो। अगर आप चश्मा पहनने वाले हो तो एविएटर वाले ग्लासेस भी आते हैं हमारे, जो नंबर वाले जो चश्मे होते हैं ना वो गॉगल सेट टाइप में भी आते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखते हैं एंड कहाँ से ले सकते हो। तो जो पहला मेथड मैं बताने वाला हूँ वो है द टी बैग मेथड। भाई टी बैग मेथड में कुछ नहीं है, आप नॉर्मल अपना टी बैग लेके आइए, उसको जैसे रेगुलर चाय बनाते हो वैसे बनाइए, गर्म पानी में जाकर डिप कर दीजिए, चीनी वीनी वाले में मत करना। नॉर्मल पहले गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में डाल के उसको डिप कीजिए, डिप करने के बाद उसमें से पूरा जो पानी है उसको निकाल लीजिए टी बैग में से एंड इसको ले जाकर रख दीजिए फ्रिज में, कम से कम 15 से 20 मिनट को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद उसको अपने जो पीपल्स वाला एरिया है आंखों के नीचे और फिर मसाज कीजिए। टी बैग के अंदर भाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारा जो स्किन होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। याद रखना जब इसको यूज़ कर रहे हो तो पानी में, नॉर्मल पानी में डिप करके निकालना है और कहीं कुछ उसमें पानी में मिला नहीं होना चाहिए। एंड जब आप इसको लगा रहे हो तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए सो दैट इस एरिया में टेंशन क्रिएट ना हो। दूसरा मेथड जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है द आइस क्यूब मेथड। आइस क्यूब मेथड बहुत आसान, एक छोटा सा आइस क्यूब ले लीजिए, उसको एक साफ सुथरे रुमाल के ऊपर रखिए। याद रखना कि रुमाल एकदम साफ होना चाहिए, थोड़ा पतला होना चाहिए सो दैट वो पानी का जो ठंडक है वो पानी आप फील कर पाए। उसका गार्ड बांध लीजिए और वो गार्ड को लेके अपने आंखों के नीचे यहाँ पे मसाज कर लो, ठीक है। ये इफेक्ट करने से क्या होगा, बेसिकली आंखों के नीचे जितने डिपॉजिटेड होते हैं वो कोल्ड कंप्रेस प्रेशर की वजह से ना ठीक होना शुरू हो जाएंगे, वो फ्लो शुरू हो जाएगा। तो जितना अच्छे से आप उसको कंप्रेस करके आप मसाज करेंगे अपने पूरी आंखों के लेयर में उतना जल्दी जल्दी वो रिकवरी देना आपको शुरू करेगा। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट कीजिए अच्छे रिजल्ट के लिए। तो तीसरा मेथड मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है द स्पून मेथड।
भाई ये बहुत फेमस है एविएशन इंडस्ट्री में, काफी कैबिन क्रू एंड पायलट्स भी इसे यूज करते हैं। पर कुछ नहीं है इसमें, आपको दो स्पून जो है उसे आप ठंडा करके रख दीजिए 15 से 20 मिनट, कोल्ड स्पून, उसको बाहर निकालिए एंड देन अपने आंखों के ऊपर अच्छे से इसको मसाज कीजिए। यह इंस्टेंट रिलीफ वाला फंडा है, ये सेम काम करता है जैसे हमारा अदा आइस क्यूब मेथड है, खाली इसमें फर्क क्या है, बिकॉज आपको स्पून का एक टेक्सचर मिला, लेयर मिला, तो एक मसाज करने के लिए आपको कर्व मिल रहा है यहाँ पे, तो आप बेटर तरीके से उसको कंप्रेस कर पाएंगे रादर जो आप जो प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी यूज कीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट, अगर तो स्पून गर्म हो जाते हैं तो उसको वापस रख दीजिए, ठंडा कीजिए और वापस यूज कीजिए, ऐसा 2 बार करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। एक सनस्क्रीन यूज कीजिए जब आप धूप में जा रहे हैं, भाई ये स्किन का लेयर को प्रोटेक्ट करके रखना, यह हैवी रेस से जैसे आपको पहले ही बताया था बहुत जरूरी है। खाली आप जो एविएटर है वो मत पहनिए, साथ में एक सनस्क्रीन भी लगाइए। मैं यूज करता था मैन कंपनी का SPF 40, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ कार्ड में लिंक कर दूंगा, जाके वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज कर चुका हूँ और आपको बता, इस चैनल पर मैं खाली वो चीज बताता हूँ, मैं पहले खुद पे ट्राई कर लूँ और यहाँ पे काटने वाला काम नहीं है। अब चेक कर लो, आपको प्रोडक्ट अगर लग रहा है कि आपके लिए भी सही है तो मंगा लेना, वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया। सनस्क्रीन लगा के बाहर जाओगे तो स्किन को और प्रोटेक्शन मिलेगी, देखो धूप के से काले होने से थोड़ा बचोगे करेक्ट, साथ ही साथ आपके लेयर ऑफ स्किन जैसे मैंने बताया है बहुत ही डेलिकेट स्किन होता है, उसको भी आप बचा रहे हो इसके साथ साथ, तो ये चीज़ ज़रूर करो। एक आखिरी चीज़ है मेरे भाई कि जब तुम सोते हो ना तो थोड़ा सा ना एलिवेटेड सो जाओ, स्लीपिंग हैबिट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। जब आप सो रहे हो ना तो अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर करके सो जाइए, उससे क्या होगा रात को जब पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड एंड वाटर का, तो ये एरिया ना डिपॉजिटेड वाला एरिया कहलाता है, तो यहाँ पे आपका कोई चीज़ ना डिपॉजिट नहीं हो रहा है, लाइक वाटर एंड ब्लड का कोई भी चीज़ है ना डिपॉजिट नहीं हो रहा, जिससे यहाँ पे पफिनेस ना क्रिएट हो जाए। तो रेगुलरली अगर आप सोने के टाइम पे थोड़ा सा अपना चेंजेस कर लो ना सिर को ऊपर रख के, तो फ्लो तो जैसा नेचुरल है वैसा रहेगा ही, डिपॉजिट्स के चांसेस कम होंगे जिससे आपको पफिनेस इन द मॉर्निंग कम होगा। तो मेरा भाई देख लिया, ये सारे छोटे छोटे मेथड्स हैं जो अगर आप ट्राई करोगे तो आपके स्किन को बहुत ही बेनिफिट देगा, आपको डार्क सर्कल से लड़ने में हेल्प करेगा। यार ये दिन में 2 बार कर सकते हो, अभी जो वैसे लॉकडाउन का पीरियड है तो 2 बार कर लोगे तो अच्छा है, और वैसे भी मैं अर्ली जैसे मैं कर रहा था तो मैं दिन में 1 बार कर रहा था, अभी लॉकडाउन है तो मैं 2 बार कर रहा हूँ। अभी कोशिश करो सो दैट जब ऑफिस ऑफिस स्टार्ट हो जाए, जब बाहर निकलना चालू करो तो नॉर्मल लगो, ऐसा मत लगो कि अभी कहीं से उठ के आए हो। ठीक है, तो कोशिश करो ये 2 बार ट्राई करने के लिए, 15 से 20 मिनट करने ये सारे एक्टिविटी, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा भाई अगर तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए भाई, हम लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे, मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। और इस चैनल पे भाई हम वही प्रोडक्ट लेके आते हैं जो सही है, भाई टिकटॉक वाला तो मैं हूं नहीं जो फिल्टर लगा के बकवास करूंगा, या कोई बड़ा यूट्यूबर जिसको ब्रांडेड स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आए और उसके बारे में अच्छी अच्छी बकन देनी, या इस चैनल पे मैं वही बोलूंगा जो सही है, अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो वरना प्रोडक्ट निकल। ठीक है, तो भाई लोग ऐसे ही सेफ रहना, कनेक्टेड रहना, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा भाई एक नए YouTube वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे डूड आर्मी लोग बाय।